हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है द विलीबीज। इस मूवी की लेंथ है 1.5 घंटा। ये मूवी एक नॉवेल पे बेस्ड, और सबसे अच्छी बात है कि ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। कोरोना वायरस के चलते अभी सब लॉकडाउन में, तो इस वजह से आपके घर में बच्चे भी होंगे, तो बच्चों के साथ आप ये मूवी को डेफिनेटली देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारे इंडिया में एक सोच है, जो सोच बदलनी चाहिए। वो सोच ये कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एनिमे सीरीज और एनिमेटेड मूवीज बच्चों लोग के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार आप ये सारी चीजें देखना शुरू करोगे तो आप लिटरली इनके फैन बन जाओगे। और एनिमे सीरीज की बात करो तो भाई वो तो नेक्स्ट लेवल की होती है। इस मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती है विलीबीज फैमिली में, जहां पर हमें 6 मेंबर्स नजर आते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 4 बच्चे। बड़े बेटे का नाम टीन, दूसरी बेटी का नाम जेर, और 2 जुड़वा भाई जिनका नाम होता है बार्नबास। चारों बच्चों की एक ही शिकायत होती है, वो ये है कि इनको लगता है कि इनके पेरेंट्स सेल्फिश है, इन पर ध्यान नहीं दे रहे। और ऐसा होता भी है, उनके पेरेंट्स जब खाना भी खा लेते तब भी वो अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते, समझ लो वो पैदा करके छोड़ दिए। इसीलिए बच्चों लोग को महसूस होता है कि इनकी जिंदगी में प्यार की बहुत कमी है, और तभी इनकी लाइफ में एंट्री होती है एक छोटे बच्चे की। उसके बाद इनकी लाइफ किस तरह से बदलती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये एनिमेटेड मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मूवी मुझे कैसे लगी। तो देखिए, इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। एक स्वीट सिंपल एनिमेटेड मूवी जहां पर आपको कॉमेडी और फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता कि ये नॉवल से इस मूवी में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, लेकिन इतना कह सकता कि मैं कहीं से भी बोर हुआ नहीं। कैरेक्टर की बात करो तो हर एक कैरेक्टर आपको इस मूवी में बहुत अच्छा लगेगा। 1.5 घंटे कहाँ चले जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। उसके अलावा मैं इसकी हिंदी डबिंग की बात करूँ तो हाँ, जब भी आप कोई हॉलीवुड मूवी या कोई भी एनिमेटेड मूवीज को अगर हिंदी में देखोगे तो यहाँ पर आपको बॉलीवुड मूवी का रेफरेंस देखने को मिलता है। वो आपको एंटरटेनमेंट के लिए डालते, कभी कभी आपको ओवर लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है लेकिन ठीक ठाक है। तो इसलिए डबिंग से मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। इस मूवी का अगर मैं रेटिंग दूंगा तो मैं इसको 3.5 out of 5 दूंगा, क्योंकि ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी एकदम। तो इस वजह से ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही पहले कहने उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, जितना दुआ में रखना। मैं हूं रांची से और आप सब है आपके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में।